बाईनाओ पेलेटर। पिछले कुछ सालों से बाईनाओ पेलेटर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया। इनका ग्रोथ रेट 2020 में 569% था और 2021 में 637% था। बट 20 जून 2022 को आरबीआई ने बीएनपीएल को बैन करने की बात करी, जिससे स्लाइस, यूनिअर्बिट और जुपिटर जैसे स्टार्टअप को धक्का लगा। बट फर्स्ट, ये बीएनपीएल कंपनी पैसे कैसे कमाती है, जहां कार लोन्स लोगों को 3 लाख पर एनम की इनकम पे मिलती है विद द टिकट साइज ऑफ 57 लाख एंड क्रेडिट कार्ड 1.44 लाख पर एनम 25 से 50,000 लिमिट के साथ मिल जाता है। इस इनकम स्लैब और क्रेडिट साइज के नीचे लोगों के लिए देयर वाज नो रिलायबल क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। इंडिया की 3% पॉपुलेशन के पास क्रेडिट कार्ड है और बाकी के 97 के पास नहीं है। यहाँ पर बाय नाउ पे लेटर मॉडल्स काम आते हैं। अगर आपको एक शूज लेने हैं जिसकी प्राइस 3000 है, आपके पास 1500 रुपये है और पॉकेट मनी 2000 है, तो आप ये परचेज नहीं कर सकोगे एज यू आर स्टूडेंट और आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो यहाँ स्लाइस जैसी कंपनी आती है जो कि आपको बिल स्प्लिटिंग का ऑप्शन देती है। ईच मंथ आपको 1000 पे करना होता है और बेस्ट थिंग इज़ कि आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप टाइम पर पेमेंट कर दोगे। तो ये पैसे कैसे कमाती है? पहले सिर्फ 100 बच्चे ही इस शूज़ को अफोर्ड कर सकते थे, बट विद द हेल्प ऑफ दिस बीएनपीएल कंपनी 3000 किड्स कैन बाई एंड कैन अफोर्ड दिस शूज़। तो इससे स्लाइस ने प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल्स ऑफ शूज़ को इंक्रीज करा और मार्केट में अफोर्डेबिलिटी बढ़ाई और हाई टिकट प्रोडक्ट का सेलिंग अवेल कराया। तो जब आप स्लाइस को 3000 पे करते हो तो कंपनी को वो 2850 ही पे करती है और 150 रुपये का कमीशन चार्ज करती है और लेट पेमेंट का इंटरेस्ट भी उनका प्रॉफिट बनता है। तो इससे बीएनपीएल कंपनीज एक्सप्लोटेड बाय 569% इन 2020 एंड 637% इन 2021। तो आरबीआई को प्रॉब्लम कहाँ है? तो इसके लिए हमको इकोसिस्टम और पीपीआई यानी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ेगा। यहाँ 2 टाइप की कंपनी आती है, फिनटेक कंपनीज लाइक यूएनआई एंड स्लाइस और सेकंड स्टेक होल्डर्स लाइक एसबीएम बैंक एंड आरबीएल बैंक, जो कि न्यू प्रोडक्ट इश्यू करते हैं कॉल्ड यूएनआई कार्ड एंड स्लाइस कार्ड। क्योंकि अकेली फिनटेक कंपनी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट लॉन्च नहीं कर सकती, तो ये कंपनी ने अपनी पार्टनरशिप से क्रेडिट लाइन शुरू करी। तो आप अपने स्लाइस कार्ड से क्रेडिट कार्ड की तरह ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यहीं पर प्रॉब्लम शुरू हुई। फर्स्ट प्रॉब्लम वो कि ये उनको फैसिलिटी देते थे जो कि क्रेडिट कार्ड अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो क्लाइंट्स की इनकम लेस देन 20,000 पर मंथ होगी और उनकी एज 25 से कम होगी, जो कि मैच्योर्ड इनफ नहीं होंगे और क्रेडिट कार्ड डिजर्व नहीं करते होंगे। अगर आपको 1000 की परचेस करनी होगी और बीएनपीएल से 2000 जितनी परचेस ऑफर करेंगे तो आप ज्यादा ही परचेस करोगे। इट्स अ ट्रूथ एज वन ऑफ द बीएनपीएल कंपनी लाइक क्लारना, जिसकी ऑर्डर वैल्यू 41% से बढ़ गई। देन अमेरिकन कंपनी है अफर्म करके, जिनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू 85% से इंक्रीज हो गई और अनरिस्पॉन्सिबल यूसेज की वजह से डेब्ट का रिस्क बढ़ जाता है। 1 of 3 बीएनपीएल यूजर को पेमेंट का इश्यू आ रहा था और उनका क्रेडिट स्कोर भी इसकी वजह से डाउन हो रहा था। सो इसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंक को प्रीपेड वॉलेट पर क्रेडिट लाइन को लोड करने पे रोक लगाने को कहा। तो बीएनपीएल का क्या होगा? फर्स्ट, आरबीआई बाय नाउ पे लेटर के अगेंस्ट नहीं है। सेकंड, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इज अ माइनर सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्लाइस एंड जुपिटर। दिस इंडस्ट्री इज सीकिंग मोर क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई that what is allowed and what's not. Third is, though it's a wonderful feature, use it responsibly. So I hope you guys like this case study. Stay tuned for the next one. हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, डाउनलोड FAIDEPRO now.